एक क्षेत्र का है जहां अहमदगढ़ के रहने वाले मृतक रामेश्वर और उसका 15 साल का बेटा बग्गी में अहमदगढ़ की पुलिया से पीली मिट्टी निकालकर घर लाए। तभी रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही पिता समेत बच्चे की मौत हो गई और रोडवेज का चालक बस लेकर फरार हो गया। लेकिन नाकाबंदी के दौरान रोडवेज के लेकिन हादसे की सूचना मिलने पर नाकाबंदी करवाई गई और रोडवेज बस को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ड्राइवर रोडवेज बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गया है। गुस्से में आए लोगों ने दिल्ली बदायूं हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वाले लोगों का गुस्सा शांत कराया और मृतक पिता और पुत्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अभी भी रोडवेज बस के चालक की खोज में लगी पड़ी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से प्रदीप पंडित जी की खास रिपोर्ट। रामेश्वर सनो मनवीर सिंह, अमित सनो रामेश्वर, दोनों बाप बेटा आ रहे थे मट्टी लेकर, तो पीछे से रोड में जा रही थी तो पीछे से उसमें टक्कर मारी जिसमें रामेश्वर की मौत हो गई मौके पर और उसका लड़का गंभीर रूप से घायल है। बुलेंसर मना कर दिया दिल्ली के लिए। रोडवेज गाड़ी पकड़ी गई है क्या? रोडवेज गाड़ी बहुत आगे जाकर नहीं उसका बम्पर कुछ टूटा कुछ खराबी हुई है, तकनीकी खराबी की वजह से वो रुक गई और गांव के ही एक व्यक्ति ने पीछा किया रोडवेज का, थाने तक गया।